For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. अकेले सलमान पड़े आमिर के तीनों फिल्मों पर भारी। Well, कई दिनों के इंतजार के बाद फाइनली सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने दिया चाइना में दस्तक। सिर्फ यही नहीं, कबीर खान द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी ड्रामा ने आमिर खान की तीनों फिल्में पीके, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार को अपने रिलीज के साथ साथ दे दी है टक्कर। बता दे, इससे पहले चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ आमिर का ही बोलबाला था, जहां पीके ने कमाए थे 12.9 क्रोर्स, दंगल ने 14.67 क्रोर्स, वहीं सीक्रेट सुपरस्टार ने अपने ओपनिंग डे पर 43.35 क्रोर्स की कमाई की थी। पर अब इन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए बजरंगी भाईजान ने अपने ओपनिंग डे पर 2.8 मिलियन डॉलर्स की कमाई करते हुए सबकी छुट्टी कर डाली। यानी अकेले सलमान पड़ गए हैं आमिर खान की तीनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भारी। वैसे अब चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान स्टारर बजरंगी भाईजान का लाइफ टाइम रन को देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है, क्यों है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।